हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम एक और स्टॉक के ऊपर बात करने वाले हैं जिसका नाम है कोफॉर्ज। जो कोफॉर्ज स्टॉक है, इसने पहले ब्रेकआउट दिया, उसके बाद इसने ब्रेकआउट को रीटेस्ट किया और अब वह उस पॉइंट पे खड़ा है। अब देखते हैं कहाँ पे उसने ब्रेकआउट दिया, फिर कहाँ पे उसने रीटेस्ट किया। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि ये देखो, ये एक सबसे पहले एक पैटर्न बन रहा है, डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है, और उसके बाद उसने डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है। ठीक है, जब इसने ब्रेकआउट दिया है, ब्रेकआउट के बाद उसने आज उसने रीटेस्ट भी किया है। आप देख सकते हैं जब ब्रेकआउट दिया और उसने बड़ी ही हाई वॉल्यूम के साथ दिया और हाई डिलीवरी के साथ ब्रेकआउट दिया, आप देख सकते हैं। तो अब हम इसके मूविंग एवरेज देखते हैं कि कहाँ पे है। ये देखो, सारे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आज जो है इसने मूविंग एवरेज पे सपोर्ट भी लिया है, 200 मूविंग एवरेज पे इसने सपोर्ट भी लिया है और ये स्टॉक आज उस लेवल पे खड़ा है। और इस स्टॉक में और आज हम बात करते हैं RSI मॉडल की। देख सकते हो RSI जो 14 है वो 63 पे है, जबकि लगभग 60 के अबव है, एक गुड साइन है। और जो RSI स्ट्रेंथ जो है 55, वो 0 के अबव है, इससे ये मालूम होता है कि स्टॉक में मोमेंटम भी है। तो अब हम रेजिस्टेंस और सपोर्ट देख सकते हैं इस स्टॉक की। और इस स्टॉक का जो रेजिस्टेंस है, सबसे पहले हम सपोर्ट की बात करते हैं। जो इसकी सपोर्ट है वो रिसेंटली जहाँ पे खड़ा है, ये इसका सपोर्ट है 200 मूविंग एवरेज जो है इसका 39.10 जो है ये इसका सपोर्ट है, और इसका रेजिस्टेंस जो है वो 4500 है। ये सेकंड रेजिस्टेंस है और फर्स्ट रेजिस्टेंस जो है इसमें 4264 है। ये दो इसके रेजिस्टेंस हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल में, और अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।